फ्रेंड्स, वेलकम टू शाबराज किचन। फ्रेंड्स, जब भी हमारा वेज खाने का मन होता है तो सबसे पहले हमारे मुंह में आता है पनीर। तो आज हम ऐसे ही पनीर की मजेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि है बटर पनीर मसाला, या तो फिर आप इसे पनीर मसाला भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल शाही तरीके से और कम सामग्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पैन रख दिया है, तो अब हम पनीर मसाला की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं 1 चम्मच बटर। बटर को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। और इसी के साथ थोड़ा डालेंगे ऑयल 1 चम्मच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा तेल और बटर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, लौंग, ब्लैक पेपर और 1 टुकड़ा दालचीनी। तो इसे हम अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से सॉटे हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 3 प्याज लिए बड़े साइज में कट करके, इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे हमारा हल्का सा प्याज भून के हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर, लगभग यहाँ पे हमने 1 इंच टुकड़ा लिया है बारीक कट करके। लहसुन की कलियाँ ली है 10 से 12, इसे भी हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे इसे हमें सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई करना है। साथ ही जाएंगे टमाटर, टमाटर भी यहाँ पे हमने 4 लिए हैं कट करके, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। साथ ही जाएंगे काजू, काजू हमने यहाँ पे 1 कटोर ली है। इसे हम कुछ देर के लिए चलाते हुए अच्छे से फ्राई करके लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करके लिया है सारी चीज़ों को। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल कलर के लिए, और थोड़ा बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हो गया अच्छे से मिक्स। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी। यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं और इसे अब हम ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसमें से हम खड़े मसाले निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारे खड़े मसाले निकाल लिए। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे मसाले ठंडे हो रहे तब तक हम पनीर फ्राई करके लेंगे। तो यहाँ पे हमने पैन रखा है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल 2 से 3 चम्मच। ऑयल को हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर क्यूब। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, तो इसे हम अच्छे से फ्राई करके लेंगे। तो इसे हम 1 साइड अच्छे से फ्राई करके लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे हम फ्लिप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर को अच्छा सा कलर आ चुका है।
और अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं और थोड़ा सा इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ये मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे मिक्सी के जार में डालते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एकदम फाइन पेस्ट बना ली है, ये देखें एकदम वेलवेटी टेक्सचर आया है। तो चलिए फिर पनीर मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक पैन ढका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, आप चाहे तो बटर में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच बटर का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी मिर्च लगभग 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मिक्स करेंगे और फिर इसमें जाएंगे हमारी फाइन पेस्ट। तो यहाँ पे इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीरी मिर्च की वजह से अच्छा कलर आता है, इसलिए हमें तेल में उसे ऐड करना है कलर के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे फ्लेम मीडियम रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मसाले भून लिए हैं, ये देखें इसे हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे बढ़िया खुशबू भी आ रही है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी लग रही वेलवेटी। तो यहाँ पे हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे तीखे के लिए तीखी मिर्च 2 से 3 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है ग्रेवी के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसे हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इसके अंदर उतर जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ग्रेवी को अच्छे से पका लिया है और खुशबू तो लाजवाब आ रही है, तो इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है, आप चाहे तो इसमें पानी ऐड कर सकते हो बट मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है, ग्रेवी में था तो उतना ही काफ़ी हो गया। तो यहाँ पे देखिए अपने ग्रेवी का थिकनेस एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे पनीर, तो मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से पनीर मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक बटर क्यूब लगभग 1 चम्मच, साथ ही जाएंगे इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और फ्लेवर भी आता है ग्रेवी को, मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमने ग्रेवी एकदम परफेक्टली बनाई है और अच्छे से हमारी सारी चीज़ें मिक्स भी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, आप इसे बटर पनीर मसाला भी बोल सकते हो या पनीर मसाला भी बोल सकते हो, और हमने यहाँ पे बटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे थोड़ा। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी ग्लॉसी बनी है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर ढाबा स्टाइल परफेक्ट बनी है।
तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है और हम यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ कर दी है और लास्ट में जाएंगे हमारी क्रीम, फ्रेश क्रीम। वाह, क्रीम के बिना तो ये ग्रेवी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे शाही बटर पनीर मसाला एकदम रेडी है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे या ऐसे ही रखेंगे, आप ही बोलिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए फिर फटाफट से सर्विंग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा इसे मिक्स करूँगी। वाह, एकदम शाही बन गए हमारे ये बटर पनीर मसाला। तो यहाँ पे हो गया अच्छे से मिक्स। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक पॉट में। यम्मी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बटर पनीर मसाला एकदम रेडी है खाने के लिए। तो थोड़ा हम धनिया से गार्निश करते हैं। तो यहाँ पे आप इसे रोटी, नान या फिर राइस के साथ में खा सकते हो। और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाई है, घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती है उससे। तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो फ्रेंड्स ये ढाबा स्टाइल पनीर बना के आप घर पे एंजॉय करें और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।